सारण जिले में भीषण गर्मी और लू से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ऐसे में राहगीरों को पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छपरा नगर निगम के द्वारा शहर के विभिन्न जगहों पर प्याऊ की व्यवस्था की गई है। मेयर लक्ष्मी नारायण गुप्ता और नगर आयुक्त सुमित कुमार के निर्देश पर इन प्याऊ में शुद्ध जल की व्यवस्था की गई है। साथ ही एक व्यक्ति को भी प्रतिनियुक्त किया गया है जो इसकी देखभाल करेगा। शहर के दरोगा राय चौक पर स्थित प्याऊ का प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर रविशंकर सिंह और व्यवसायी अजीत कुमार सिंह ने उद्घाटन किया। इस दौरान डॉक्टर रविशंकर सिंह ने सभी से जल के महत्व को समझाते हुए इसको बचाने के लिए प्रयास करने की अपील की। वहीं अजीत कुमार सिंह ने कहा कि निगम के द्वारा किया गया यह प्रयास सराहनीय है। लोगों से आग्रह करूंगा कि जल ही जीवन है और जल को आने वाले समय में किस समय से एक एक बूंद जल का बचाया जाए। उसका खर्चा जरूर है जल का, लेकिन उसको बचाना है। जैसे आप डेली लाइफ में एक आदमी जो है सो जब शेव करता है तो ऐसे ही टैप खुला छोड़ देता है, तो उसमें आप पानी बचा सकते हैं। नहाते समय पानी बचा सकते हैं, पानी पीते समय आप पानी बचा सकते हैं। अननेसेसरली पानी जो ये नहीं करना है। दूसरी बात है कि कहीं भी आप अगर देखें कि सड़क पर टैप खुला हुआ हो तो उसको बंद कर दीजिए। आपका ये मतलब दायित्व बनता है या लोगों को समझाइए कि भाई पानी बर्बाद ना करें। और तीसरी बात है कि पेड़ पौधा जितना लगाए लोग उससे क्या होगा कि वर्षा ज़्यादा होगी। और मैं तो ये कहूँगा कि अब रेन हार्वेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कि पानी जैसे बरसात का पानी आया, बरसात खूब हुआ और आपने रेन हार्वेस्टिंग किया ही नहीं, कि जो छत पर जल जमा हुआ उस छत को किस तरह से वाटर ट्रीटमेंट करके हम उसको कंजर्व कर सकते हैं, उस पानी को, वर्षा के पानी को। ये एक बहुत बड़ा चीज हो जाएगा हमारा जल का बचाने का। कि रेन हार्वेस्टिंग खाली पहाड़ी इलाके में, जैसे शिलोंग में रेन हार्वेस्टिंग बहुत होता है ना, और अरुणाचल प्रदेश में रेन हार्वेस्टिंग, जहाँ भी हिली एरियाज है वहाँ बहुत ज़्यादा रेन हार्वेस्टिंग होता है। लेकिन ये चीज़ अब प्लेन्स में भी, माने यूपी बिहार में भी, मध्य प्रदेश में भी ये रेन हार्वेस्टिंग करना होगा। और मेन बात है कि पेड़ पौधा हर हालत में उसको बचाना है, लगाना है। आप जहाँ भी रहें जरूर पेड़ पौधा लगाएं, उसको बर्बाद ना होने दें। तभी पर्यावरण शुद्ध होगा, जब पर्यावरण शुद्ध होगा तभी वर्षा होगी। नहीं तो, और क्योंकि आने वाला समय में पानी एक बहुत बड़ा विकराल समस्या होने जा रही है और जिसके लिए हम लोग सारे लोग जिम्मेवार होंगे। अगर एक आदमी अगर जल का एक एक बूंद भी बचाएगा तो वो कितना अच्छा होगा। तो इसलिए जल का अवेयरनेस प्रोग्राम भी पियापी बहुत अच्छा बना है। अभी इस समय भीषण गर्मी में, तपती गर्मी में पानी लोगों को मिलेगा, लेकिन इसी बहाने कुछ पोस्टर लोग पढ़ेंगे तो कुछ तो उनमें अवेयरनेस आएगी। प्याऊ का व्यवस्था निगम के द्वारा किया गया है जो कि बहुत ही अच्छा प्रयास है। आम लोगों तक जो पानी की समस्या है, हर जगह पानी की सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो प्याऊ के माध्यम से जो भी लोग हैं, जो भी प्यास से हैं, उनको बिना किसी पैसे के वो पानी पी सकेंगे। विश्वसनीय खबरों की पहचान छपरा टुडे.com, आपका शहर आपके पास।